हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रीमा सुधीर, और ये मेरी छोटी बहन है, पीछे से हाय हेलो कर रही है, तो इसका भी आप लोग हेलो हाय सुन लीजिएगा। और अभी हम लोग निकले हैं घूमने शाम के टाइम, सोचे थोड़ा सा घूम लेते हैं, फिर ससुराल जाने के बाद तो फिर घर ही में रहना है। तो बस आई थी मंदिर, यही पास में हम लोग का मंदिर है, तो वो मैं डालूँगी आप लोग वीडियो में देखिएगा। तो हम लोग थोड़ा घूम लिए और बाहर का सब व्यू आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो कैसा लगेगा आप लोग को मेरा वीडियो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए पोज बना रही है, तो आप लोग को और मैं सब कुछ दिखा रही हूँ, आप लोग इन्जॉय कीजिए। बाय बाय। अभी बाय बाय क्यों बोल दिए? अभी वीडियो लंबा है। हाँ बोल दिए क्योंकि हम वीडियो से निकलने वाले हैं, इसलिए ये कहाँ जाएगा निकल के इसे पता नहीं, तो आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मंदिर का साइड का सब जगह है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सारा पेड़ है, और उसके बाद यहाँ पर है मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है। तो शाम का टाइम जस्ट हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, तो सोचे कि थोड़ा दर्शन भी कर ले, पास ही में है, घर के ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस हम लोग निकल पड़े। और ये है यहाँ का ईंटा जो पाथा जाता, मतलब ईंटा जो बनाया जाता है चिमनी, इसे बोलते हैं। तो ये भी है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। और ये पूरा खेत, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ मुझे देखने का बहुत मन करता है, तो सो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो फाइनली मैं अपने मायके का गांव आप लोग को दिखाई, ये है रास्ता, हम लोग घर जा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा गांव दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग सब्जी लगाए हैं इस तरीके से, और फिर मैं हम लोग जा रहे थे महाराजगंज, तो मैं वीडियो बना ली, ये सोची आप लोगों, ये काफ़ी दिनों से मैं मतलब बना के रखी थी, मैं यूट्यूब पे नहीं डाल रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी क्या मायके है तो इधर उधर थोड़ा सा बात करना, ये करना, उसी में व्यस्त रह जा रही हूँ, लेकिन मैं सोची कि नहीं आप लोग को भी दिखाऊँगी मैं हमारे यहाँ का गाँव सब कुछ है। ये मेरी छोटी बहन है, तो क्या होता है कि सबसे तो मुलाकात होना मतलब पॉसिबल रहता है, लेकिन बहन बहन से होना बहुत मतलब दिक्कत हो जाता है शादी के बाद, ये अपने ससुराल में अपने ससुराल। तो फाइनली हम लोग मिल गए हैं, एक दीदी की कमी है, बड़ी दीदी भी आ जाती तो मिल लेते। और ये हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग स्कूल आते थे पढ़ने के लिए, ऐसे तो हम लोग कोलकाता रहते थे, लेकिन जब वहाँ से आते थे तो इस स्कूल में पढ़ने आते थे। और यहाँ पर मम्मी बना रही है अच्छा सा डिश, मैं बोली मम्मी बनाइए, मुझे काफ़ी मन कर रहा है खाने के लिए। तो यहाँ पे आटा को गूंद ली है और इस तरीके से बना ली है, इसमें डाल रही है घी, घी ऐड कर दी, और थोड़ा सा घी डालना है, ज़्यादा नहीं, मैं मम्मी से सीख के जा रही हूँ, जाऊँगी तो बनाऊँगी ससुराल। और उसके बाद इसमें डालेगी जीरा, हमारे यहाँ बनता है बट इसमें दूध डाल के बनता है, लेकिन मम्मी के हाथ का काफ़ी टेस्टी लगता है, बहुत दिन हो गया था खाए हुए मुझे। और इसमें डाल दी जीरा, और जीरा को इस तरीके से भून ली, और उसके बाद जो आटे को बना के रखी थी उसको इसमें ऐड कर दी। मम्मी काम कर रही थी, मैं बोली मैं फ्राई कर रही हूँ, एक बार देखती हूँ कैसे हो रहा है, लास्ट में नहीं हो पाया तो मम्मी आई, तो आप लोग देख सकते हैं, और इसमें डाल दी, और इसको धीमी आंच पर इसको भून लेना है। तो इसी तरीके से इसको मैं बनाऊँगी, मम्मी बनाएँगी, लास्ट में बोली तुम हटो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी बैठ गई है, बोले तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो मुझे काफ़ी दिन हो गया है ना ये बनाए हुए, यहाँ पे बनता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि दूध में बनता है तो इतना नहीं ये रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसको मैं मम्मी भून ली, अब इसमें डालेगी गुड़, तो गुड़ को इस तरीके से रखी है, अब इसमें ऐड करेगी गुड़, तो गुड़ डाल दी, और आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो बन के रेडी हो गया, तो कैसा लगा आप लोग को मेरा वीडियो?